दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ट्रेन टिकट को कैंसिल कर सकते हो। यानी कि आपने ट्रेन में रिजर्वेशन लिया हुआ है और आपको टिकट कैंसिल करना है, आपका जर्नी प्लान चेंज हो चुका है। तो अगर आपने IRCTC ऐप के माध्यम से ट्रेन टिकट बुक किया है तो आप आसानी से IRCTC ऐप को ओपन करके अकाउंट को लॉगिन करके कैंसिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने काउंटर से टिकट परचेज किया है, स्टेशन जाकर के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट बुक किया है, तो उसे भी आप ऑनलाइन IRCTC ऐप के माध्यम से कैंसिल कर सकते हो। बाकी आप किसी भी तरीके से कैंसिल करते हो, आपको कैंसिलेशन चार्ज लग जाता है। डिटेल में अगर आप कैंसिलेशन चार्ज के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस पेज को चेकआउट कर सकते हो। IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल में कैंसिलेशन चार्जेस मेंशन किए हुए हैं कि कब किस केस में कितना कैंसिलेशन चार्ज आपसे लिया जाता है। इस पेज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि IRCTC से आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है, रिजर्वेशन किया है, तो कैसे उसको कैंसिल करना है, फिर मैं आपको काउंटर टिकट के लिए भी बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप इसे ओपन कर लेना है, लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना पिन इंटर कर दोगे, ये जो कैप्चा यहाँ दिखाई देता है यहाँ पे टाइप करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको IRCTC ऐप से बुक किए हुए ऑनलाइन टिकट को कैंसिल करना है, फिर मैं आपको बाद में काउंटर टिकट वाले के लिए भी ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रेन में आ जाना है। ट्रेन में आने के बाद यहाँ पे माई बुकिंग दिखाई देगा, आप माई बुकिंग में यहाँ से भी आ सकते हो। इसके अलावा आप अगर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपको माई बुकिंग दिख जाता है, तो कहीं से भी आपको माई बुकिंग्स में आ जाना है। माई बुकिंग्स में आने के बाद यहाँ पे अपकमिंग जर्नी के लिए सारे बुक किए हुए टिकट दिख जाएंगे। इसके अलावा जर्नी कंप्लीट होने के बाद आपको कंप्लीटेड जर्नी वाली लिस्ट में दिख जाएगा। तो अभी मुझे एक टिकट को कैंसिल करना है, ये जो अलवर से दिल्ली के लिए मैंने टिकट बुक किया था इसे कैंसिल करना है। तो सिंपली मुझे इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कैंसिल टिकट ये दिखाई देता है, इस पे क्लिक करना है। कैंसिल टिकट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 पैसेंजर के लिए टिकट बुक किया था। तो मैं चाहूँ तो किसी एक के लिए कैंसिल कर सकता हूँ या फिर दोनों के लिए कैंसिल कर सकता हूँ। तो मुझे पैसेंजर्स को सेलेक्ट कर लेना है जिसके जिसके लिए मुझे टिकट कैंसिल करना है। मुझे सबके लिए कैंसिल करना है, मैंने ऑल पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल टिकट दिखाई देता है, इस पे क्लिक करना है कंफर्म। और यहाँ पे मुझे रिफंड अमाउंट भी दिख जाता है, कितना मुझे अमाउंट रिफंड किया जाएगा कैंसिलेशन चार्जेस कट करने के बाद। अब बात करते हैं कैसे आपको काउंटर टिकट को कैंसिल करना है। यानी कि आपने स्टेशन जाकर के रिजर्वेशन काउंटर से रिजर्वेशन लिया है, टिकट बुक किया है, उसे आप ऑनलाइन कैंसिल करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस आपका ऑनलाइन नहीं होता है, आप केवल टिकट को कैंसिल कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर आप IRCTC ऐप को ओपन करते हो और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मोर में जाते हो तो यहाँ पे आपको काउंटर टिकट कैंसिलेशन ये दिखाई देता है, बोर्डिंग पॉइंट चेंज। आप चाहो तो बोर्डिंग पॉइंट भी चेंज कर सकते हो या फिर काउंटर टिकट को भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ब्राउजर में इस टाइप का पेज ओपन होगा, यानी कि आप ब्राउजर में रिडायरेक्ट हो जाओगे और आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा वेबसाइट IRCTC का ही। यहाँ आपको जूम कर लेना है। जब आप काउंटर से टिकट बुक करते हो तो आपको इस टाइप का फिजिकल टिकट मिलता है जिसमें कि PNR नंबर और ट्रेन नंबर मेंशन किया हुआ होता है। इस टाइप से यहाँ पे डेमो के लिए दिखाया हुआ है, तो वही PNR नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, ट्रेन नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है, जो कैप्चा यहाँ दिखाई देता है इस तीसरे बॉक्स में टाइप कर देना है और इस पे सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट करके कैंसिल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आप काउंटर टिकट को ऑनलाइन कैंसिल तो कर सकते हो, लेकिन कैंसिल करने के बाद जो रिफंड अमाउंट होगा उसे कलेक्ट करने के लिए आपको इस टाइप के फिजिकल टिकट के साथ रिजर्वेशन काउंटर पे ही जाना होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि काउंटर टिकट को ऑनलाइन कैंसिल करने का कुछ खास फायदा है नहीं। तो जब काउंटर पे जाना ही है तो ऑनलाइन इतना प्रोसेस करने की जरूरत क्या है, कैंसिल करने की जरूरत क्या है। बाकी दोस्तों अगर आप काउंटर टिकट को शेड्यूल डिपार्चर टाइम के 24 घंटे पहले कैंसिल करते हो तो आप ट्रेन डिपार्चर के 4 घंटे पहले तक किसी भी रिजर्वेशन काउंटर से जाकर के रिफंड अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो, बस आपको इस टिकट के साथ जाना है काउंटर पे। लेकिन शेड्यूल डिपार्चर टाइम में अगर 24 से 4 घंटे का समय बचा हुआ है और उस समय आप काउंटर टिकट को कैंसिल करते हो इस बीच में 24 से 4 घंटे पहले शेड्यूल डिपार्चर टाइम के, तो वैसे केस में आपको उसी काउंटर से रिफंड कलेक्ट करना है जिस काउंटर से आप जर्नी करने वाले थे, या फिर उस स्टेशन के आसपास में जो भी रिजर्वेशन काउंटर वाले स्टेशन हैं वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।